हरियाली को पल में चट करने वाली टिड्डी दलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये अव्यसक टिंडिया, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर के अलावा पंजाब के फजिलका में भी दस्तक दे चुकी हैं। इस समय कपास और चारे के अलावा बागवानी फसलें ही खेतों में हैं, जिन्हें ये टिड्डियां भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ये रेगिस्तानी टिड्डियां पाकिस्तान सीमा से आ रही हैं, जिसका बड़ा हिस्सा इस समय इनका ब्रीडिंग ग्राउंड यानी प्रजनन क्षेत्र बना हुआ है। इसे देखते हुए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 8 मई को जारी अपनी चेतावनी में टिड्डियों से खाद्य सुरक्षा के खतरे वाले इलाके में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। इसके मुताबिक 22 जून से 19 जुलाई के बीच टिड्डियों के एक बड़े हमले की आशंका है। दरअसल ये रेगिस्तानी टिड्डियां हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अपना सफर शुरू करती हैं और खाड़ी देशों और पाकिस्तान के रेगिस्तान के रास्ते भारत तक आती हैं। इस दौरान ये प्रजनन करते हुए आगे बढ़ती हैं। इनकी संख्या बढ़ने के पीछे जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह बताया जा रहा है। खास तौर पर जलवायु परिवर्तन से सागर गर्म हो रहे हैं, इससे रेगिस्तानी इलाकों में भी भारी बारिश जैसे हालात बन रहे हैं, जहां ये टिड्डियां अंडे देती हैं। अनुकूल मौसम मिलने से टिड्डियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। एक वर्ग किलोमीटर में फैले टिड्डियों के दल में 15 करोड़ तक टिड्डियां हो सकती हैं, जो 35,000 लोगों के भोजन के बराबर हरियाली को चट कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। अनुमान है कि जुलाई में टिड्डियों का हमला तेज हो सकता है। इससे किसानों को बाजरा, मोठ, ग्वार, मूंग और तिल की फसलें चौपट होने का डर सता रहा है। टिड्डी की समस्या से हम पिछले 6 महीने से परेशान हैं। पिछली बार जब जनवरी में टिड्डी आई थी, उससे 6-7 महीने पहले से हम विभाग को बता रहे थे कि टिड्डी आ रही है। FOA का बुलेटिन लगातार हम देख रहे थे, उसमें बार बार ये वार्निंग थी कि इंडिया के अंदर टिड्डी का हमला होगा, लेकिन विभाग के अधिकारी सोते रहे। और जनवरी में जब टिड्डी का हमला हुआ तो हमारी सब फसल, रबी की जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया। इसबगोल, जीरा पूरा चौपट कर दिया। और अब एक बार फिर FOA ने जो 8 मई को बुलेटिन जारी किया है, उसके हिसाब से अब टिड्डी एक बार फिर आ रही है। और इस मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजू चौधरी एक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं कि क्या है ग्राउंड पर हकीकत टिड्डी दलों की। जी संजू, बताएं किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को। एक्चुअली मैडम, यहाँ पे जो उत्तरी राजस्थान का जो एरिया है, जहाँ पे लगभग तीनों सीजन जो रबी, खरीफ और जायद के अंदर जो किसान है वो मतलब फसल लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे मूंग की फसल की बुआई की जा चुकी है और लगभग जो पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था है वो हो चुकी है। मतलब यहाँ पे अगर टिड्डी आ जाती है तो हमारे जो एरिया है उसमें लगभग वनस्पति उसको मिल जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे जो मतलब सिचुएशन ये है कि जो सुपरवाइजर और मतलब जो भी फार्मर को हेल्पर की जरूरत होती है कृषि विभाग से रिलेटेड, जो टिड्डियों को नियंत्रण करने में या फिर उनको जो है कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए जो उपलब्धता है वो मतलब नए के बराबर आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक जो अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर है वो टिड्डियां प्रवेश कर चुकी है, जो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पर ही पड़ती है हमारे से जो टिड्डियों का एरिया है वो। तो आपके खेतों में अभी आपके खेतों तक टिड्डी दल पहुंचा है या नहीं, और क्या आशंका है? मैडम, आशंका ये है कि जो टिड्डी दल है वो हवा के रुख के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो एक दिन में वो 150 किलोमीटर मतलब दूरी तय कर रहा है, तो हमसे लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर ही है वो। अगर टिड्डी दल आज रात को हमारे यहाँ खेतों में आ जाता है तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर सकें, और जो टिड्डियां हैं वो अगर यहाँ पे एक खेत में बैठ गई तो अगले दिन सुबह ही उठेगी, और जो वो जिस खेत के अंदर 1-1.5 किलोमीटर एरिया के अंदर बैठी है उस हिसाब से वो सुबह तक जो यहाँ कॉटन की क्रॉप है और जो मूंग की क्रॉप है उसका सफाया कर देगी पूरे तरीके से। सरकार का कहना है कि सारे महकमे पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, चाहे वो कीटनाशकों का छिड़काव हो या फिर जो पाकिस्तान से जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ बातचीत हो, ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मैडम, जो किसानों के लिए जो तमाम कदम उठाए जाते हैं ना, इससे रिलेटेड सिर्फ कागजों और कागजी कार्रवाई के अंदर ही कदम उठाए जाते हैं।
जो फील्ड लेवल पे और रियलिटी के अंदर जो किसानों तक सहायता मिलती है ना, वो तब मिलती है जब किसी किसान के खेत के अंदर टिड्डी बैठ जाती है और वो उस खेत को साफ कर देती है, तब टिड्डी दल वाले जो कंट्रोल करने वाले हैं वो पहुंचते हैं। ये भी बताइए कि जो जो नेचर ऑफ अटैक है, बिल्कुल ये बहुत चुनौती भरा है। कोई भी कितने ही सरकार के महकमे इसमें लग जाएं, कोशिश करें, तब भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगी कि जो तमाम महकमे हैं उनको किसानों से किस तरह की मदद मिलनी चाहिए? क्या कोई दल बनाया जाए किसानों के साथ मिलकर? किस तरह की स्ट्रैटेजी गढ़ी जानी चाहिए? हाँ जी मैडम, इसके लिए किसानों पे जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेटेजी है वो ये है कि किसानों को टिड्डियों के आने की जो मतलब कहाँ तक टिड्डियां पहुंच चुकी है इसकी सूचना आगामी जहां जहां तक जो मौसम विभाग है उसके द्वारा और जो फील्ड लेवल पर जैसे कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, उनके द्वारा किसानों को दी जा सकती है डायरेक्ट। जो क्योंकि मैडम कोरोना के चलते यहाँ पे गाँवों के अंदर जो है न्यूज़पेपर वगैरह की कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, तो अगर डायरेक्ट फील्ड के अंदर, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो फसलों की कटाई और इसका चल रहा है तो किसान लगभग खेतों में ही रह रहे हैं, तो उनके पास जाकर अगर कोई कीटनाशकों का अवेलेबिलिटी करवा दे या उनको बता दे तो वो या तो अपने लेवल पर या जो सरकार जो कह रही है कि वो कीटनाशक अवेलेबल करवा रहे हैं वो पहुंचे तो सही, ताकि जिस तरफ टिड्डी दल आए उससे पहले किसान अपने खेत में कुछ ऐसी दवाइयों का छिड़काव कर ले जो फसलों के लिए हानिकारक न हो और टिड्डियों को मतलब मार दे, ताकि जो दल है वो वहीं पर कंट्रोल हो जाए और आगे न बढ़ सके। यानी आपका सुझाव है कि जो किसान हैं वो खेत पर ही होते हैं और वो एक कान नाक आंख की तरह बन सकते हैं इन महकमों के लिए और उनकी सहायता से इस समस्या का निवारण हो। हाँ जी मैडम, जो हमारे यहाँ पे अब सिचुएशन है, जो स्टाफ की व्यवस्था है, जो किसान के हेल्पर्स की है, वो ये है कि लगभग हमारे यहाँ पे जो एरिया लगता है पंडितावली का, वहाँ पे एक सहायक कृषि अधिकारी है और एक जो कृषि पर्यवेक्षक की है मतलब अवेलेबिलिटी, तो वो 150 किलोमीटर के एरिए के अंदर कोरोना के चलते जहाँ पे आवाजाही भी बंद है वो कैसे हमें आकर बताएगा कि भाई जो आप है ये कीटनाशक का उपयोग करो ताकि अगर टिड्डी आज रात को या कल भी अगर आपके यहाँ पे आ जाए तो आपकी फसलों का बचाव हो सके या नहीं, ऐसी कोई सुविधा हमारे पास है नहीं। और सरकार जो है इस बात को कान भी नहीं ले रही है कि मतलब इसके लिए जो आगे जो अन आकार पड़ सकता है इन टिड्डियों के इतने भारी दल से, उसकी कोई किसानों के पास है नहीं सूचना। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये हमारे सामने ये पॉइंट्स रखने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जब ये पॉइंट्स सामने पहुंचेंगे सरकार तक तो वो उन पर कुछ एक्शन लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर डिवीजन के कृषि विभाग से जॉइंट डायरेक्टर विजय कुमार पांडे जी। विजय जी ये बताएं कि किसान जो हैं, आपने सुना इन किसानों को, इनका कहना है कि वर्तमान में यहाँ पर बाड़मेर में बाजरे की फसल है लेकिन जब जून में जब बारिशें होंगी उसके बाद और भी फसलों की बुवाई होगी, तो उसको देखते हुए लोग काफी आशंकित हैं कि टिड्डी दल उनकी फसलों को चट ना कर जाएं। क्या कहेंगे, आपकी क्या तैयारी है ग्राउंड पर? ऐसा है कि बिल्कुल भी आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हमारा पिछले साल का भी अच्छा खासा अनुभव है, संसाधन और बढ़ा लिए गए हैं, इसलिए हम किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त कीटनाशी है, पर्याप्त मात्रा में स्प्रेयर्स हैं, और भी अधिक स्प्रेयर भारत सरकार मंगवा रही है, और हमारे जो स्टाफ है फील्ड का वो बिल्कुल अलर्ट पे है, और हम कितना भी बड़ा खतरा हो टिड्डियों का उसको निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। मैं अगर किसानों की तरफ से उनके मुद्दे और उनकी समस्याओं की लिस्ट सामने रखूं तो पहला है कि कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पोस्ट वेकेंट हैं, आपके पास ग्राउंड में स्टाफ की कमी है। दूसरी उन लोग की शिकायत है कि ठीक तरह से स्प्रे उतना इफेक्टिव तरह से नहीं हो रहा है, और जो मशीनें हैं जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी उतने उचित संख्या में नहीं है, और उनका कहना है कि हमें क्यों नहीं कृषि विभाग रोकथाम में हमारी मदद लेता है, हम किसानों की जो हम नाक आंख कान बन सकते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, जहां तक स्टाफ की बात है, हम राजस्थान के दूसरे हिस्से से हमने पहले भी यहां पे स्टाफ लगाया था और अभी भी
आवश्यकता पड़ने पर सरकार तुरंत लगा देगी, उसमें इसका करने की कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि किसानों की सहायता से ही हमने पिछले बार टिड्डियों का नियंत्रण किया था, किसानों के ही ट्रैक्टर वाले स्प्रेयर हमने लगाए थे और इस बार भी लगा रहे हैं, और जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी उस हिसाब से ट्रैक्टरों की मात्रा भी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान में भी हम किसानों को ही किराए पर ट्रैक्टर लेकर के और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, और टिड्डियां उससे काफी भारी मात्रा में मर भी रही है और काफी अच्छा नियंत्रण हो रहा है, तो किसानों का पूरा पार्टिसिपेशन है। अच्छा, दूसरा ये कि किसान ही कई बार हमें सूचना देता है, जो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर है उस पर किसानों से भी सूचना आती है, जनप्रतिनिधियों से भी आती है, और जो ग्राउंड लेवल के हमारे वर्कर्स हैं, पटवारी, आरआई, कृषि पर्यवेक्षक, टीचर्स, इन सबसे भी हमें सूचना लगातार प्राप्त होती है, उसमें किसानों का और जनप्रतिनिधियों का भी बड़ा सहयोग है। और ये बताएं कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोरोना के इस समय में कहीं लापरवाही हो जाए और जो जिस तरह का समुचित ध्यान देना चाहिए वो चीज सामने नहीं आ रही, क्योंकि किसानों का लगातार ये कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और यथार्थ में कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन गाँव के अंदर मैं तो कोरोना है, और इस कार्य के लिए अब अपने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी प्रिकॉशन रखते हुए हम अपने स्प्रे कर रहे हैं। हम देर रात तक स्प्रे करते हैं, हमने कल भी रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक स्प्रे किया है, और इस टिड्डी के नेचर के अनुसार हम अपने स्प्रे को इधर उधर कर रहे हैं, इसके डोजेस फिक्स कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना की वजह से कोई ऐसा हो, जैसे कोरोना अपनी जगह है, वो जहाँ है वहाँ है, लेकिन हमारे लिए टिड्डियां भी उतनी महत्वपूर्ण है, और इसमें कागजी कार्रवाई जैसी बात नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। इसको जो भी व्यक्ति इससे सहमत ना हो वो मुझसे बात कर सकता हूँ, उसको वीडियोज भेज सकता हूँ, किसानों के किसानों से वो बात कर सकते हैं जहाँ पे हमने कंट्रोल किया है। और अभी वर्तमान में तो फसलें है ही नहीं कहीं पे, इसलिए ये जो रेगिस्तान में या खाली जमीनों पे या खेजड़ों पे बैठे तो हम उनको मार रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपके इन शब्दों से किसानों का हौसला बढ़ेगा और आश्वासन मिलेगा। धन्यवाद।